दिगंबर टेलीकॉम प्रस्तुत करता है लोन पर फोन 0% फाइनेंस मेला। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। सभी कंपनी के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर के एक दिन प्रवास पर पहुंचे, जहां वह पूरे ग्रामीण परिवेश में नजर आए। मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर के नर्मदा के ब्रह्मकुंड घाट पर आयोजित अन्नकूट भोज में शामिल हुए और उन्होंने जमीन पर बैठकर दोना पत्तल में ग्रामीणों के साथ पारंपरिक भोज किया। मंत्री पटेल ने लोगों को अपने हाथों से परोसकर भोजन कराया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि हम सभी को राम जन्मभूमि के जल्द फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आगे की रणनीति तय होगी। प्रदेश की कमलनाथ सरकार की कार्यशैली को जनहित विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली जनता के हित में नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भले ही वह एक लंबे अरसे से स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा अधिक प्रतिबद्धता के साथ मोदी जी स्वच्छता के लिए संकल्पित हैं। तो नीचे रख रहे हैं। को करना चाहिए, अगर जरा भी उसका समाज में सम्मान है तो उसको समाज के ऐसे ही काम से शुरुआत करनी चाहिए। पत्तल उठाना, झाड़ू लगाना, लोगों को परोसना, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को सिखाने का सबसे आसान तरीका यही है। की शैली का संगीतकार, नृत्यकार, हमारा 100 साल पुराना वृक्ष, 100 साल पुरानी घरों की चीज़ें, हम उन सबको कल्चर मैपिंग में शामिल करने वाले। सर एक क्वेश्चन और, प्रदेश में कमलनाथ सरकार है, जो 5 साल टिक पाएगी? सर मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन उनकी जो काम करने की शैली है, वो काम करने की शैली राज्य के लिए हितकारी नहीं है। एक आखिरी सवाल की, लगातार देखने में आया कि आप स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं, मोदी जी भी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से आम आदमी को जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है? देखिए, कोटेगांव की धरती का ये प्रताप है, आपको यहाँ व्यसन नहीं मिलेगा जो यहाँ मेरे साथ चाहे सामने कार्यक्रम में आए और चाहे बाकी लोग मिले। स्वच्छता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मुझसे कहीं ज़्यादा है, सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मैं दावा करता हूँ कि मुझसे ज़्यादा है। इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी काम सिर्फ रस्म अदायगी नहीं होता है, बल्कि कंक्रीट ही होता रहा है। और इसलिए मैं फिर कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो सही कहा है, आने वाली पीढ़ी को हम नशे के से मुक्त रखें, ये संकल्प के साथ काम करिए, तब कर पाएंगे जब आप खुद नशे से दूर होंगे। दूसरी बात आती है स्वच्छता की बात है जो हम करते हैं, तो अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को समाप्त करना है तो पहले खुद से शुरू करिए, और अगर तीसरी बात जो बाकी उनने कही है तो उसके बारे में हम तय करें कि, और ये भ्रष्टाचार मुक्त का समाज बनाना है तो कोई जनप्रतिनिधि या नेता या कोई अधिकारी तो स्वयं ईमानदार नहीं होगा तो किसी को कह नहीं पाएगा, नहीं तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो उनने सबको कसौटी पर कसा है, और जिम्मेदारी सबकी है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएं, आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाएं, देश को स्वच्छ रखें। मुझे लगता है ये नैतिक धरातल पर बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री ने। नरसिंहपुर से अनुज कुमार, सागर टीवी न्यूज़। दिगंबर टेलीकॉम प्रस्तुत करता है लोन पर फोन 0% फाइनेंस मेला। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। सभी कंपनी के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। पता वोडाफोन स्टोर, पाटीदार भवन, कच्छ कड़वा के बाजू में, मेन रोड, भगवानगंज, सागर। फोन नंबर है 9939182565, 8821844243।